नमस्कार। ताल ठोक के आज दिन दो बड़े मुद्दों पर बहस होगी। उनमें पहला है जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला का कश्मीरी कार्ड। इसके अलावा एक घंटे बाद शाम 6 बजे पूछेंगे कि दिल्ली के अंकित सक्सेना की हत्या पर सियासी मौन क्या मुस्लिम वोटों के लिए है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कल पूर्व मुख्यमंत्री और उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी और बीजेपी गठबंधन पर तीखी टिप्पणी की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने शैतान से गठजोड़ कर लिया है, शैतान के साथ समझौता किया जा चुका है। उन्होंने ये बात दरअसल बॉस और शैतान की एक कहानी सुनाई उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा के अंदर, और फिर ही बताने की कोशिश की कि शैतान से समझौता कर लिया है महबूबा मुफ्ती ने। और उमर अब्दुल्ला के मुताबिक पीडीपी ने सत्ता के लिए अपनी राजनीतिक आत्मा से समझौता कर लिया है। उमर अब्दुल्ला का यह बयान शोपिया घटना के मद्देनजर आया, जिसमें आत्मरक्षा में चली सेना की गोली से 3 पत्थरबाजों की मौत हो गई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सेना पर एफआईआर के बाद जब सेना ने काउंटर एफआईआर करा दिया, तो अब इस घटना पर एक हाई लेवल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो कह रहे हैं पत्थरबाजों को मुआवजा दिया जाए, एसआईटी जांच हो, सिर्फ एफआईआर नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला के बयान के जवाब में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर को जन्नत बनाने के लिए वो जहन्नुम में जाने को भी तैयार हैं। महबूबा मुफ्ती ने सेना को अनुशासित तो बताया, लेकिन यह भी कहा कि सेना पर भी भ्रष्टाचार के दाग हैं। ऐसे में आज पूछेंगे कि क्या कश्मीरी कार्ड खेलकर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों कश्मीर को बाकी भारत से अलग दिखाने की सियासत नहीं कर रहे हैं? क्या सियासत में सेना को फंसाकर दोनों राजनीतिक फायदे के लिए देश हित से समझौता नहीं कर रहे हैं? उमर अब्दुल्ला के बयान और उस पर महबूबा मुफ्ती के जवाब से जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी गठबंधन पर भी बहस तेज हो गई है। बेमेल गठबंधन, जिसकी शुरुआत से लेकर अब तक कहा जा रहा है। ऐसे में ताल ठोक के जो सवाल आज हम उठाएंगे वो ये है, उमर अब्दुल्ला के लिए क्या बीजेपी शैतान है? जिस बात का जिक्र उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं कि शैतान के साथ समझौता किया महबूबा मुफ्ती ने, तो क्या बीजेपी शैतान है उमर अब्दुल्ला के लिए? कश्मीर को नर्क में क्या झोंक रहे हैं महबूबा और उमर दोनों? बीजेपी पीडीपी गठबंधन, क्या जम्मू कश्मीर से धोखा है क्या? ये सवाल बीजेपी से होगा कि उसकी क्या मजबूरी है? सेना पर अटैक से क्या कश्मीर जन्नत बनेगा? इसके अलावा कश्मीर में अलगाववाद के वकील क्या उमर अब्दुल्ला बन गए आप? ताल ठोक के बहस की शुरुआत, उससे पहले ये रिपोर्ट। मुझे आज के हालात देख के फॉस्ट और उसके सौदे को याद क्यों आया? क्योंकि मुझे कभी कभार ये लगता है कि सियासी तौर आपने भी एक ऐसा ही फैसला, ऐसा ही सौदा किया है 6 साल की कुर्सी के लिए, जिसमें कि बीजेपी की तरफ से आपसे कोई मतलब इन्होंने आपको कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं दी, कि उन्होंने कहा कि ये 6 साल इनको हम दे ही देंगे, इज्जत शोहरत दौलत ताकत सारा कुछ इनकी सियासी रूह को जो है हम हासिल करेंगे। अगर इस जन्नत को बचाने के लिए मैं जहन्नम में चली जाऊं, तो मुझे लगता है 100 बार मुझे वो जहन्नम कबूल है। अगर हम लोगों को इस जहन्नम से निकाल के फिर से जम्मू कश्मीर को एक जन्नत बना सकते हैं, मैं समझती हूँ ये कोई ज्यादा बड़ी कीमत मुझे देनी नहीं पड़ेगी। मेरी आपसे मोहतबाना ये गुजारिश होगी कि आप एक हाई लेवल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसके लिए कायम करिए, क्योंकि अब जहाँ ये 2 FIRs की लड़ाई हो गई है, ये मामूली अब इन्वेस्टिगेशन रहा नहीं। हमारी जो आर्मी है दुनिया में इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड फोर्स। हाँ, अब एक आदमी दूसरा आदमी तीसरा आदमी गलती करे, उसके लिए तो कानून है ना, कानून अपना काम करेगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ का प्रमुख विपक्षी दल ऐसे गंभीर राष्ट्रीय मुद्दे को स्थानीय राजनीति के आधार पर देखने का प्रयास कर रहा है। हमको लगता है कि उस प्रयास में वो कभी कभी गैर जिम्मेदारी की सीमा तक भी पहुंच रहा है। सेना को लेकर के किसी तरह की भी बयानबाजी के में खिलाफ, वो सीमा के सजग प्रहरी हैं, पॉलिटिकल लीडर्स चाहे वो किसी भी दल के हों, उनके द्वारा उन पर अविश्वास करना या उन पर टिप्पणी करना ये बहुत ही बड़ी गलती मैं मानता हूँ। बगैर प्रधानमंत्री की मर्जी के कश्मीर की मुख्यमंत्री कोई कदम नहीं उठा सकती हैं, ये इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ प्रधानमंत्री हैं। अगर कोई सेना को टारगेट करता है तो वो इस देश का देशद्रोही है,
और उसके खिलाफ लोगों को सड़क पर उतरना चाहिए और उसके लिए जो भी दंड है देना चाहिए, क्योंकि सेना ही है जिसकी वजह से यह देश और देश के नागरिक सुरक्षित है। देखिए एक चीज साफ है, इस मुद्दे पर हम लगातार कई दिनों से डिबेट कर रहे हैं। एक चीज जो समझ में आई है वो ये कि हर कोई सियासत कर रहा है और उस सियासत के जरिए सेना को सीढ़ी बनाने की कोशिश की जा रही है और सेना निशाने पर है, सेना टारगेट पर है। बड़ा पैनल है मेरे साथ, चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रेम शुक्ला हैं, बीजेपी के नेता हैं, राजनीति में आने से पहले पत्रकार थे, शिवसेना के मुखपत्र दोपहर का सामना के संपादक रह चुके हैं, महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से समझते हैं। प्रेम शुक्ला साहब आपका स्वागत है। इसके अलावा मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब हैं मेरे साथ, रक्षा विशेषज्ञ हैं, कारगिल की लड़ाई लड़ चुके हैं, एंटी टेररिज्म ऑपरेशन के एक्सपर्ट माने जाते हैं, भारत पाक संबंधों के जानकार हैं। के सिन्हा सर आपका स्वागत। मेरे साथ यासिर रेशी हैं जो कि पीडीपी के वरिष्ठ नेता हैं, जम्मू कश्मीर विधानसभा परिषद के सदस्य हैं, बांदीपुरा के रहने वाले हैं। यासिर साहब स्वागत है आपका। इसके अलावा मेरे साथ बशीर अहमद वीरी हैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, दक्षिण कश्मीर से विधायक रह चुके हैं और पेशे से मेडिकल डॉक्टर हैं, पार्टी का पक्ष मीडिया में रखते हैं। बशीर अहमद वीरी साहब स्वागत है आपका, नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। इसके अलावा कमल हक जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रवासी कश्मीरी हैं, कश्मीर घाटी छोड़कर जम्मू में रह रहे हैं और कश्मीर के प्रवक्ता हैं, पनून कश्मीर के प्रवक्ता हैं, बहस में कश्मीरी पंडितों का पक्ष रखते हैं। कमल हक साहब आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर बशीर अहमद वीरी साहब आप ही से मेरा सवाल, क्योंकि आज उमर अब्दुल्ला बहुत ज्ञान दे रहे थे विधानसभा के अंदर, वो कह रहे थे डील विद दी डेविल, मतलब शैतान के साथ समझौता कर लिया है महबूबा मुफ्ती ने। मुझे एक चीज बताइए, जो बयान आप लोग दे रहे हैं पत्थरबाजों को मुआवजा, SIT FIR पर कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो, मतलब बीजेपी शैतान है आपके लिए, सेना आपके लिए हैवान है, पत्थरबाज आपके लिए फरिश्ते हैं, अलगाववादी आपके भगवान है, किसको खुश कर रहे हैं आप सीमा पर? देखिए अमन साहब, उमर अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर है और जम्मू कश्मीर के की नुमाइंदगी करते हैं, उनको वही कहना है जो यहाँ के हालात है, जिससे यहाँ के लोग पीड़ित हैं, जिससे यहाँ के लोगों को मुश्किलात हैं, वो वही हाईलाइट करना चाहते हैं। आप कल जो उन्होंने बयान दिया, मुझे लगता है मुदल्लल उन्होंने तकरीर की टू द पॉइंट तकरीर थी और उन्होंने सही कहा। अगर हम पिछले तीन साल का इनका विश्लेषण करते हैं, जो कट मोशंस कल ही CM साहिबा के डिपार्टमेंट के हो रहे थे, खुसूसन होम डिपार्टमेंट के, तो उसमें एक कट मोशन के जवाब में मेरे सामने इस वक्त 14,210 लोगों को गिरफ्तार किया गया पिछले तीन साल के अंदर, जो सब नौजवान हैं। उसके अलावा 4,173 FIR दर्ज किए गए, 1,114 नौजवानों को बुक किया गया पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर और कम से कम 450 के आसपास लोग मारे गए, जिसमें 127 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी हैं, जो कि पहली दफ़ा पिछले 30 सालों के अंदर जब से यहाँ से मिलिटेंसी शुरू हुई है इतना बड़ा मतलब नुकसान हुआ है हर तरफ से, चाहे वो यहाँ का नौजवान हो, चाहे वो यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस जो काम कर रहे हैं, हर तरफ कत्लगारत का बाजार नज़र आ रहा है। इसके अलावा 6,221 पैलेट इंजरीज हुई है, जिनमें से तकरीबन 18 की मौत हो गई है और टोटल 2016 का ही अगर हम आंकड़ा देखेंगे 118 के आसपास मौतें हुई हैं नौजवानों की। ये विश्लेषण है, जिस आप मुझे खुद ही बताइए कि आप क्या कहेंगे कि जहन्नम की आग भी बरस रही है तो क्या होगा? ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी बात रखी, आपके पास मैं दोबारा आऊंगा, 1.5 मिनट का वक्त था। लेकिन सर बार बार ये आप नौजवान नहीं बोले, आप कश्मीर के नौजवानों से मिलना चाहते हैं तो जाकर अंजुम बशीर से मिलिए, जिन्होंने पब्लिक UPSC जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें टॉप किया आतंकवाद की मान से निकलकर। ये कोई नौजवान नहीं है, ये कोई भटके हुए युवक नहीं है, ये बिना बंदूक के आतंकवादी हैं जो 200 से 250 की भीड़ सेना पर हमला करती है। उन पर कोई कदम उठाया जाता है तो आप लोग सबसे ज्यादा छाती पीटते हैं, सेना पर कुछ होता है तो आप लोग साइलेंट मोड में चले जाते हैं। इनको नौजवान मत कहिए सर, ये कश्मीर के नौजवान नहीं है, नौजवानों से मैंने मिलवाया, अंजुम बशीर है उनसे मिलिए जाकर। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। यासिर रेशी जो कि PDP के MLC है वो भी हमारे साथ है। यासिर रेशी साहब, यही बयान महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी दिए जा रहे हैं, वो कह रही है देर कैन बी अ ब्लैक शीप, सेना में भी भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के दाग हैं। सेना, आप सेना से दुश्मनी निकालने की कोशिश क्यों हो रही है? मैं लगातार देख रहा हूं विधानसभा के अंदर सारे नेता सेना को घेरने पर लगे हुए हैं। सर आपको और मेरा अस्तित्व है सेना की वजह से, आप वहां पर बोल पा रहे हैं सेना की वजह से, हम लोग सेना को क्यों टारगेट कर रहे हैं सर? ये कंसर्न है मेरा।
अमन जी मुझे मुझे बोलने देंगे आप तो पूरा सा डेढ़ मिनट आपका है, बोलिए आप डेढ़ मिनट, कोई नहीं टोकेगा आपको। डेढ़ मिनट में ही बोलूंगा मैं, लेकिन बोलने दीजिए। देख लीजिए जो आपने वहां से मीडिया से शुरू किया हर मेनस्ट्रीम पार्टी के साथ यहां पर करना, चाहे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी टारगेट करते हैं, पीडीपी को भी टारगेट करते हैं, कांग्रेस को भी टारगेट करते हैं, अगर आपने ऐसा शुरू किया एक एजेंडा अगर आपने खोला है वहां पर महाज उन लोगों के साथ लड़ना, उन लोगों का दूसरा फेस वहां दिखाना, तो आप चाहते हैं कि यहां पर कोई भी मेन स्ट्रीम में ना बचे, यहां पर कोई भी नेशनलिस्ट ना बचे, पहले तो आप ये कर लीजिए। दूसरी बात रही एफआईआर की बात, एफआईआर पुलिस ने किया दर्ज, ये वो पुलिस है जो यहां पर शहादत दे रही है, जो यहां पर पाकिस्तान से लड़ रही है, जो यहां पर जिनके बच्चे मारे जा रहे हैं, आपको इस पुलिस पे भरोसा रखना चाहिए। ये आपकी पुलिस है, ये हिंदुस्तान की पुलिस है, इंडियन पुलिस है, ये हमारी मुल्क की पुलिस है। अगर उन्होंने एफआईआर दर्ज किया तो वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आप जिस तरीके से इसको पेश कर रहे हैं, जिस तरीके से इसको चलाना चाहते हैं कि पूरे मेन स्ट्रीमों को आप यहां पर जलील करने की मीडिया के जरिए कोशिश करना चाहते हैं, ऐसा ना कीजिए। यहां पर मेन स्ट्रीम चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो चाहे पीडीपी का हो, वो जान दे रहा है, उनके घर जल रहे हैं, हजारों की तादाद में वर्कर हमारे मारे गए, हम लोगों को आप इस तरीके से पेश ना कीजिए। पहले तो ये बात है, आप हमें टारगेट ना बना दीजिए कि आप सेना वर्सेस, पहले हम मिलिट्री के साथ भी आप हम लड़ रहे हैं और आप सेना के साथ भी हमें खड़ा कर रहे हैं, ऐसा ना कीजिए। मेन स्ट्रीम को अपना काम कर दीजिए। ये वही लोग हैं जो 26 जनवरी को यहां पर झंडा ले रहे हैं, ये वही वर्कर है जो 15 अगस्त यहां पर मना रहे हैं, ये वही लोग हैं जो 70 सालों से यहां झंडा। ठीक है सर, डेढ़ मिनट मैंने आपको पूरा दिया सर, सर पूरा एक मिनट सर, आपकी आवाज नहीं जा पाएगी, माफ कीजिएगा सर, डेढ़ मिनट का ही समय था, उसके बाद आपके पास दोबारा लौटूंगा। मेरा भी सर ये कंसर्न था कि थोड़ा विश्वास कीजिए, आपने पुलिस की बात की, मैं कह रहा था आप सेना पर विश्वास जाहिर करिए, सेना पर एफआईआर करके ये कौन सा विश्वास। आज महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि दुनिया की सबसे अनुशासित सेना है भारतीय सेना पूरी दुनिया में, दूसरा एफआईआर भी उन पर हो रही है, तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी ना सर। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। प्रेम शुक्ला साहब, सबसे दयनीय स्थिति मेरे ख्याल से इस वक्त आप लोगों की है, आप लोगों का 56 इंच का सीना सिकुड़ गया सर, जम्मू कश्मीर में आप लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, सेना पर एफआईआर हो गई है, वो कह रही है निर्मला सीतारमण से मेरी बात हुई है, महबूबा मुफ्ती कह रही है उसके बाद एफआईआर हुई है, आपके सहयोगी कुछ और बयान दे रहे हैं, आप लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है सर सियासत की? देखिए कोई सियासी मजबूरी नहीं, हम जम्मू एवं कश्मीर को भारत का अविभाज्य अंग बनाए रखने के लिए, जम्मू एवं कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए, जम्मू एवं कश्मीर से पाकिस्तान परस्तों को समाप्त करने के लिए, हमने अपने सत्ता लोलुपता दिखाई होती तो वहां राष्ट्र शासन लगा देते, हम चूंकि पूरी दुनिया के सामने वहां जमहूरी तक ताकतों को मजबूत बनाए रखना चाहते, इसलिए हमने हमारे साथ जिसका वैचारिक साम्य नहीं है ऐसे दल को हमने समर्थन दिया है और सेना को हमने पूरी शक्ति दी है। इसलिए आदरणीय बिपिन रावत जी, जो जनरल बिपिन रावत जी कहते हैं कि जो लोग पत्थर चलाते हैं सेना पर वो भी आतंकवादी हैं, और जिन लोगों ने पत्थर चलाकर षड्यंत्र करके सेना के काफिले पर हमला किया उनके खिलाफ जो कार्रवाई सेना ने की, चाहे रंजन गोगोई का मामला हो चाहे अन्य कोई भी मामला हो, उन मामला चाहे मेजर गोगोई का मामला हो या अन्य कोई मामला हो, उन मामलों में भी पूरी तरह से सेना के साथ हमारी सरकार खड़ी रही है। हम वहां पर जमहूरियत चाहते, लेकिन जमहूरियत के नाम पे जब कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को शैतान कहता है तो उमर अब्दुल्ला ये भूल जाते हैं कि उनके अब्बा हुजूर किसी जमाने में इसी एनडीए के सदस्य हुआ करते थे। इनकी एक सुविधा पर राजनीति है, जब शेख अब्दुल्ला पंडित नेहरू के साथ होंगे तो पंडित नेहरू देवता दिखाई देंगे, जब साथ हट जाएंगे तो शैतान दिखाई देने लगते हैं। ये चीज राजीव गांधी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की, यही चीज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस अब फिर से कर रही है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सुविधा की राजनीति करती है, जब वो सत्ता में रहेगी तब तो हमको लगता है कि दिल्ली के लोग देवता हैं, और जैसे ही सत्ता से बाहर जाती है तो उसको पाकिस्तान परस्ती याद आती है, उसको इस्लामाबाद के लोग देवता नजर आते हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला साहब, लेकिन यही चीज है, आप लोग कह रहे हैं हम लोग सेना के साथ हैं, आप मुझे एक चीज का जवाब दीजिएगा, आप लोग सेना के साथ हैं कोई दो राय नहीं है। प्रेम शुक्ला साहब मैं आपको बहुत समय से जानता हूं, जब आप शिवसेना की तरफ से बोलते थे और आज भी पाकिस्तान को लेकर आप हमेशा मुखर राय रखते रहे और रखते रहेंगे मुझे पता है, लेकिन सर ये डबल स्टैंडर्ड दिखते ना कि आप सेना के साथ हैं और सेना पर एफआईआर करने वालों के भी साथ हैं आप जम्मू कश्मीर में,
आपकी सरकार एफआईआर कर रही है, यहाँ आप बैठकर बोल रहे हैं कि एफआईआर नहीं होनी चाहिए। आप लोगों के हाथ थोड़ी ना बंधे, लीजिए समर्थन वापस, कीजिए कार्रवाई, क्यों नहीं आप चुप क्यों बैठे हैं? यही सियासी बेड़ियां, सियासी मजबूरियां हैं आपकी। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा सर। मेजर जनरल केके सिन्हा भी है मेरे साथ। केके सिन्हा सर, ये क्या डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को हर कोई एड्रेस कर रहा है? कोई सेना के साथ खड़ा दिखना चाह रहा है, कोई पत्थरबाजों के साथ खड़ा दिखना चाह रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता विधानसभा में जो बोल रहे हैं कि एसआईटी का गठन हुआ, एफआईआर नहीं, कार्रवाई हो, जांच होनी चाहिए, पत्थरबाजों को मुआवजा दिया जाना चाहिए, ये किसको खुश करने की कोशिश की जा रही है? अमन जी, आपने तो क्षमा कर ही दिया, आपने कह दिया कि हर एक लोग जो राजनीति है अपनी रोटी सेक रहे हैं। देखिए शैतान कौन है? शैतान तो है वो अलगाववादी, वो आतंकवादी। अलगाववादी तो वही हैं, आपको पता है हुर्रियत, जो सेपरेटिस्ट हैं, और आतंकवादी जो कि एक्सटेंशन है पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर को, उसको कोई शैतान नहीं कह रहा है। पत्थरबाज उसी अलगाववादी और आतंकवादी के एक्सटेंडेड हैंड हैं, मुंह में कपड़ा बांध करके और आतंकवाद को फैलाने के लिए उनका एक्सटेंडेड हैंड है। उनको तो आप एफआईआर वापस ले ले रहे हैं और आप सेना के माध्यम से उसको फुटबॉल बनाया। देखिए वहां पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में एक इंटीग्रेटेड कमांड था और ये बहुत अच्छा फेस चल रहा था जब फौज, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्पेशली सीआरपीएफ एंड बीएसएफ और जो भी आईटीबीपी के लोग वहां पर भी हैं, बॉर्ड एक इंटीग्रेटेड तरीके से सफलता हासिल कर रहे हैं। उस समय देखिए क्या कर रहे हैं। अभी एक 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 आपके मेरे ख्याल नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के कहते पुलिस बहुत वो तो देशभक्त है ही, वो तो सेना के साथ थे, उनको भी बीच में ला करके डिवाइड करना चाह रहे हैं और ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है। एनआईए ने रिपोर्ट में वेरी क्लियर मॉडर्स ऑपरेंडी कर दिया, ये जितने भी अलगाववादी हैं जिसमें कि ये लोग भी शामिल हैं। और देखिए दोनों को, ठीक है सर, बस डेढ़ मिनट था आपके पास, मैं दोबारा से आऊंगा। आप कह रहे हैं कि एनआईए की चार्जशीट का भी आपने जिक्र किया, जो चार्जशीट में बिल्कुल बताया गया कि पाकिस्तान से कैसा पैसा आता है अलगाववादियों के पास और फिर ये पत्थरबाजों को बढ़ावा दिया जाता है। ये पत्थरबाजों को हम भटका हुआ युवक ना कहें, नौजवान ना कहें तो शायद बेहतर होगा, सेना का अपमान होगा अगर हम इस तरह से कहते हैं। कमल हाक साहब, ठीक है सर, कमल हाक साहब, सियासत के लिए सेना को सूली पर चढ़ा देंगे क्या ये जो हो रहा है जम्मू कश्मीर में? देखिए कश्मीर में सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं है। ये सिक्के के दो पहलू हैं, एक पहलू सिक्के का सेपरेटिज्म है और जितने भी लोग अपने आप को मेन स्ट्रीम कहते हैं वो उसी सिक्के का दूसरा पहलू है। इसका सबूत इस बात से है कि पिछले 50 सालों में 70 सालों से जितने भी मेन स्ट्रीम अपने आप को कहने वाले लोग हैं उन्होंने मेन स्ट्रीम को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या करा? कुछ भी नहीं करा आज तक। मेन स्ट्रीम को वीकन करने का, कश्मीर का भारत के साथ में जो विलय है उसको कमज़ोर करने का जो कुछ भी कोशिश थी वो या तो पीडीपी ने करी या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करी। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है वहाँ पे। वहाँ पे सवाल आर्मी का नहीं है, आपको समझना चाहिए कि आर्मी की आड़ में आर्मी को एक मोहरा बनाया जाता है लोकल पॉलिटिक्स की वजह से। अटैक इंडियन सॉवरेंटी पे है, अटैक इंडिया की प्रभुता पे है, इंडिया के संविधान पे है, आर्मी एक छोटा सा मोहरा बनाया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी अगर आप देखा जाए उन्होंने जो दोगलापन है वहाँ पे कश्मीर की राजनीति में, जो नरक आज कश्मीर बन चुका है, इसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। चाहे वो जहाँ से भी शुरू करें, 1487 से शुरू करते हैं कि जब MUF को पोलिटिकली न हरा के एक षड्यंत्र के तहत उनको इलेक्शन में हराया गया, फिर उनको प्रमोट करा गया कि आप जाइए बाहर लाइन अक्रॉस करिए, मैं फिर ट्रेनिंग लीजिए, वहाँ से वापस आइए और दहशत फैलाइए, और फारूक कुबला 1990 में आराम से कुर्सी छोड़ के लंदन चले जाते हैं। ठीक है सर, डॉक्टर बशीर किसको खुश कर रहे हैं आप लोग? पत्थरबाजों की वकालत करके उनका मुआवजा, उनको मुआवजा देने की बात करके, केस वापस लेने की बात करके किसको खुश करना चाहते हैं? अलगाववादियों को? ये पनन कश्मीर के जो साथी हैं ना, जरा इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की मरहूनी मिन्नत होनी चाहिए पूरे भारतवर्ष को जिसने जम्मू कश्मीर का इलहाक आर्जी तौर तीन बातों के ऊपर हिंदुस्तान के साथ किया, सेकुलर हिंदुस्तान के साथ किया। और जे तवारी गवाह है, जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर किया गया कश्मीर में, वहां पे वहां के माइनॉरिटी
देश को कमजोर कर रहे हैं, आप लोग देश को इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं इसमें। उन्नीस सौ सैंतालीस में कबायलों के सामने सीना तान के नारा दिया शेरी कश्मीर का, क्या इरशाद हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद। डॉक्टर बशीर, आप लोग देश को कमजोर कर रहे हैं, हमें आपके कमजोर होने की चिंता नहीं है। आप लोग सेना के खिलाफ और पत्थरबाजों के साथ खड़े होकर अलगाववादियों को खुश करना चाहते हैं, पाकिस्तान को खुश करना चाहते हैं। आपको याद दिलाना चाहता हूं, डर क्या है? आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारी चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने परसों बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन की। उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब एनकाउंटर होता था कहीं पे गाँव के गाँव खाली होते थे, आज वही जमाना है कि एनकाउंटर होता है पूरे के पूरे लोग बाहर आके पथराव करते। क्या वजह है कि लोग यहाँ से यहाँ पर आ गए? जो जातियां आप मुझे एक चीज बताइए, अगर खुदा ना खास्ता, सर एक सवाल सुनिएगा डॉक्टर बशीर, खुदा ना खास्ता, अगर 200 से 250 लोगों की भीड़, एक मिनट कैसे ना, जिनको ग्राम के साथ कोई, डॉक्टर बशीर एक मिनट सवाल सुन लीजिए, आप खुद एक्सपोज हो जाएंगे। डॉक्टर बशीर, अगर खुदा ना खास्ता 200 से 250 लोगों की भीड़ आप पर हमला कर देती तो आप क्या करते? आप क्या करते सर सेल्फ डिफेंस में? जब आप हम लोग कमजोर करते हैं सर, यही तो कमजोर हो जाते हैं, क्यों ज्ञान बांट रहे हैं सर? इतना सवाल सुन लीजिए, अगर आप पर हमला हो जाता खुदा ना खास्ता 200 से 250 लोगों की, तो आप क्या करते सर? हाथ पे हाथड़े बैठे रहते हैं आप? हम आप शांति का पाठ पढ़ाते हैं यहाँ पर? हमारे पे क्या करते हैं आप? हमारे पे हमले नहीं हुए, अगर होता तो सेना पर 250 लोगों ने हमला कर दिया। मेरे पे गोली चली है, मेरे पे बम चले हैं। अरे 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 सेना के आप, आप पे गोली चली तो बैठे कैसे हैं यहाँ पर? आप आराम से बैठे हुए थे जब आप पर हमला हुआ था, या आपने आत्मरक्षा में सेल्फ डिफेंस में कुछ किया था? हमको खुद वहां से भागना पड़ा, हमको खुद वहां से भागना पड़ा। सेना भाग जाती, सेना नहीं भागती, भगोड़ी नहीं है ना, भगोड़े हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं आती है। उस वक्त हमें कोई बचाने के लिए नहीं आता, भगोड़े हैं, हम पे हमला होता है, हमें कोई बचाने नहीं आता उस वक्त। उस वक्त आपकी सेना क्या करती रहती है सर? मैं क्या आपके लिए रहे बॉडीगार्ड? सेना ही है जिसकी वजह से आप वहां पर बैठकर इतना ज्ञान दे पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला जो बड़ी बड़ी कहानियां सुना रहे हैं सर, वो सेना की वजह से ही आप इतना धाड़ पा रहे हैं, इतना बोल पा रहे हैं। वहां पे कितनी सेना है तभी आपको और मेरा अस्तित्व है, या बेहतर तरीके से जानते हैं। 482 आप सेना पर हमला करके पाकिस्तान को खुश कर रहे हैं क्या? फारूक अब्दुल्ला के राह पर चल रहे हैं आप लोग, खुश नहीं कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। चलिए देखिए अमन जी, ये पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, अलगाववाद का साथ दे रहे हैं। 96 में वहाँ पे झंडा जो वहाँ पे झंडा लहरा के वो चले हैं। अरे आप उसका साथ दे रहे हैं कश्मीर को छोड़ने के लिए? आपने 9700 ले लिया FIR नरसिम्हा राव और उनको बोलते हैं पत्थर करो और ठीक है। टारगेट किया जाता है, दिक्कत ये है कि 9700 केसेस वापस लिए गए हैं। ये महबूबा मुफ्ती ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि मेरी सरकार ने 9700 केसेस वापस लिए, तो इससे ये हो जाता है सर कि पत्थरबाजों को और मौका और उनका हौसला बुलंद होता है, फ्री हैंड मिल जाता है सेना पर अटैक करने का। यासिर साहब, अमन जी, हेलो, नहीं सुनाई, आवाज नहीं आ रही है सर। सवाल यह है कि महबूबा मुफ्ती फ्लोर ऑफ द हाउस में कहती है कि 9700 केसेस वापस लिए गए हैं, ये पत्थरबाजों को फ्री हैंड दे रहे हैं कि हम कि सेना पर हमला करो। अच्छा अमन जी, एक साइड से हम लोग कह रहे हैं यहां पर टोटल जो सेना का रिपोर्ट है कि यहां पर टोटल 200 से 250 से लेकर आतंकवादी इस वक्त है। आप मुझे बता दीजिए, जो ये 900 के 9.5 या 10,000 लोग हैं, क्या ये सब के सब आतंकवादी हैं? क्या आप हर कश्मीरी को यहां पर जिसके खिलाफ भी FIR दर्ज हो गया, FIR में लगा कि ये जायज नहीं है, सही FIR नहीं हुआ, प्रोटेस्ट था कहीं पर, कहीं कुछ हो रहा था, आपका मतलब ये जो मुझे बता दीजिए वो लेंस कहां मिलता है जिससे 250 लोगों की भीड़ में मैं ढूंढ पाऊं ये आतंकवादी है, ये भटका हुआ युवक है, ये पत्थरबाज है, ये कौन सा लेंस है सर? जब 250 लोगों की भीड़ हमला करेगी तो उसके बाद सेना लेंस लेकर ढूंढेगी कि ये भटका हुआ युवक है? आप बताइए ना, 250 लोगों की भीड़, जैसियों को पीट पीट कर मार दिए जाने की कोशिश वहां पर हो रही है। अमन जी एक बात का जवाब दे दीजिए मुझे आप जी, बताइए भटके हुए युवक थे कि या सब 10 के 10,000 आतंकवादी थे सर? 250 लोग हमला करेंगे,
कैसे पता लगेगा ये कौन सा लेंस है सर, क्या हो रहा है, ये कौन सा पैमाना है आपका? आप मुझे बता दिए 10 के 10 हजार। अरे इंडस्ट्री है, पत्थरबाज इंडस्ट्री है, संघवाद कहलाते हैं यहाँ पर, टोटल 200 इंडस्ट्री है पैसे कमाने की सर। आप क्या चाहते हो कि पूरे के पूरे कश्मीरी को आतंकवादी करना? ये सेना तय करेगी, ये आप और मैं नहीं तय करेंगे ना सर। 99 ये सेना तय करेगी, एक परसेंट है ये, एक परसेंट नहीं है। यहाँ पर सेना तय नहीं करेगी, सेना तय करेगी, सिक्योरिटी फेज है। अमन अमन जी, अमन जी ये बात सही करेक्ट है, पाकिस्तान मत बनाइए। अरे ये सेना तय करेगी सर, आपको तो पाकिस्तान वैसे ही बहुत प्यारा है। सुनिए सुनिए, आपके आपके नेताओं को तो वैसे ही सर पाकिस्तान बहुत प्यारा है। मैं चाहूंगा एक मिनट, आप लोग बुरहान वानी को आतंकवादी तक मानने को मैं बताता हूँ, इनको मैं बताता हूँ, दे रहे हैं इनको मैं बताता हूँ। अमन जी एक बार मैं इनको बता, देखिए ये बकवासबाजी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? मैं बताता हूँ आपको, अभी आप मुझे मौका मिले मैं बताता हूँ सर। देखिए सुनिए सुनिए, अरे भाई मुझे मौका मिला है, ठीक है यासिर साहब एक मिनट, मुझे मौका मिला है सर, आपको पूरा मौका दिया गया सर, एक मिनट एक मिनट जाओ यासिर साहब, आपको पूरा मौका दिया गया एक मिनट के लिए, मेरी बात सुनिए सर, कुछ कहना चाहिए आपको बताता हूँ। देखिए सर, आज कश्मीर की जो हालात है वो सिक्योरिटी फेज चल रहा है, पॉलिटिकल नॉर्मलसी की बातें करते हैं, पॉलिटिकल फेज आएगा सर जब आप सारे को एमनेस्टी दे देना, मगर हमारे फेज के पहले यदि आप 9700 को एमनेस्टी देते हो तो आप सेना के अगेंस्ट कार्रवाई कर रहे हैं। आप पूरे को दे देना यार, 12,000 को दे देना, प्रेम शुक्ला कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्ला देखिए एमनेस्टी में आपकी भी दे देना शामिल है, केंद्र की भी शामिल है, प्रेम शुक्ला आज सिक्योरिटी पॉलिटिकल फेज नहीं है, एमनेस्टी की बातें कर रहे हो, नॉर्मल सी आई नहीं, आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, आतंकवाद अलगाववाद खत्म नहीं हुआ, और ये एमनेस्टी देना शुरू कर दिए। अरे एमनेस्टी दे रहे हो अलगाववाद को, ठीक है सर, मुल्क की बागडोर दौड़ धूप देनी है, वो पाकिस्तान का नहीं है। अरे सारे पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं आप, वो यहाँ पर जेलों में शैतानों की बात कर रहे हैं, शैतान वो है अलगाववाद आतंकवाद जवानों को। बस यासिर साहब बस करिए सर, आप तो कहते हैं यहाँ देश के लोग शैतान है। पूरा मौका आपने लिया, आपको पूरा मौका दिया गया यासिर साहब, बस करिए सर, जन्नत को जहन्नुम बना दिया वहाँ पर, ठीक है जन्नत को जहन्नुम बना दिया, एक मिनट सिन्हा सर, ठीक है सिन्हा जी, ठीक है यासिर साहब एक मिनट, एक मिनट करूंगा सर, बीच यासिर साहब एक मिनट आप रुकेंगे सर, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप रुकेंगे सर, मुझे आपको ऑडियो बंद करना पड़ेगा सर, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे सर, बहुत चीख रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं सर, बुरहान वानी को आतंकवादी बोल के दिखाइए आप, अभी बैठे बैठे आप चुप हो जाएंगे। देश को दाव पर मत लगाइए आप लोग, उसको हालातों ने आतंकवादी बना, कौन से हालातों ने, पाकिस्तान ने आतंकवादी बनाया, किसने? ये अलगाववाद के हिस्सा है, ये अलगाववाद के हिस्सा है, आपकी भाषा है, ये अलगाववाद के हिस्सा, आतंकवादी बोलने में शर्म आती है, बातें कर रहे हैं आप, आतंकवादी बोलने में शर्म आ रही है, हिस्सा है, शर्म किसके हिस्सा है, आतंकवादी है, अरे पत्थरबाज सारे, देखिए सारे, ठीक है हो गया, क्लियर हो गया, सारे के सारे आतंकवादी, सेना शैतान है, बीजेपी हैवान है, आतंकवादी आपके लिए भगवान है, बुरहान वानी को आप आतंकवादी बोल नहीं सकते हैं, यहाँ बैठकर आप ज्ञान दे रहे हैं बैठकर, यासिर साहब आतंकवादी को आतंकवादी बोलने में आपका हलक सूख रहा है आज यहाँ पर बैठकर, प्रेम शुक्ला जी समझ रहे हैं आप, इन लोगों के साथ सरकार चला रहे हैं जम्मू कश्मीर में, इन लोगों के साथ आप सरकार चला रहे हैं सर, इसलिए आपसे सवाल पूछा जाता है। ये दोनों अमन जी, बुरहान वानी आतंकवादी था और आतंकवादी होने के नाते उस नालायक को कब्रिस्तान भेज दिया गया, अब उसको कौन क्या कहता है कहने दीजिए, हम बुरहान वानी को आतंकवादी मानते हैं और बुरहान वानी बनने की जो कोशिश करेगा कब्रिस्तान पहुँचेगा। माफ कीजिएगा सर, कोई और होता ना आज प्रेम शुक्ला सबसे ज्यादा वोकल होते हैं, लेकिन आज जो आपके सहयोगी है इसलिए आपके मुंह पर भी उंगली है सर, आप बोल नहीं पा रहे हैं, पीडीपी बोल रही है, पीडीपी के नेता बोल रहे हैं बुरहानवादी आतंकवादी नहीं, अमन अमन जी बहुत साफ समझे आप, नहीं नहीं अगर कोई बुरहानवानी बुरहानवानी बनने की कोशिश करेगा
वो बुरहान वानी की तरह कब्रिस्तान में पहुंचेगा। तो पीडीपी की बात कर रहे हैं आप? हम बुरहान वानी को आतंकवादी मानते हैं, कोई आतंकवाद करेगा उसको हम कब्रिस्तान पहुंचाएगी हमारी सेना। आप अपनी सहयोगी पार्टी कौन क्या कहता है कहता रहे, लेकिन कोई भारत की संप्रभुता पर प्रहार करेगा उसको हमारी सेना कब्रिस्तान पहुंचाएगी। वो बुरहान वानी हो या कोई बुरहान वानी बनने की कोशिश करे, बड़ी बात है उमर अब्दुल्ला आतंकवाद के लिए आंसू है सेना या कोई सारा काम सेना ही करेगी। आप लोग सत्ता के मजे लेंगे, आप लोग कुर्सी के मजे लेंगे उन लोगों के साथ बैठकर जो बुरहान वानी को आतंकवादी नहीं बोलते। हम कश्मीर के और भारत के बीच की बात कर रहे हैं, मतलब सत्ता हमारे लिए जरा भी महत्वपूर्ण नहीं है सर। सेना बड़ी है, सरकार अगर कश्मीर सरकार बड़ी नहीं है नहीं है तो समर्थन वापस लीजिए आप लोग, समर्थन दे रहे जनता पर। लेकिन बुरहान वानी जैसी बेड़िया है सर, जम्मू कश्मीर में खोल दीजिए। राष्ट्र धर्म है और बुरहान वानी जो बनने की कोशिश करेगा, बड़े स्तर पर बोला जाता है 19 राज्यों में सरकार, ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो सेना को कमजोर कर दे, ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो देश को कमजोर कर दे। प्रेम शुक्ला सर, अमन जी कोई सेना को कमजोर नहीं कर सकता, आपके सहयोगी कर रहे हैं सर, कोई नहीं कर सकता, सरकार एफआईआर कर रही है सेना पर सेना को मदद कर सकता है? एक मिनट, बिल्कुल हमने सेना को ताकत दे रखी है, इसीलिए जो पत्थर मारेगा उसको कब्रिस्तान पहुंचाने का काम बहुत करेक्ट, बहुत करेक्ट। जो सेना पर पत्थर करेगी है, जो भारत की संप्रभुता पर पत्थर करेगा, हम यही कहते हैं, जो गोली चलाएगा वो कब्रिस्तान जाने की तैयारी करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। निहत्तों पे गोलियां चलाने का क्या निहत्ते हैं? अरे पत्थरबाज है, कोई भी हमारे हमारे किसी भी सेना पर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से पैसे लेकर चलाएगा गोली चलाएगा, ये भारत की सेना का अधिकार है, भारत की सेना गोलियां चलाते हैं वहां के नौजवानों को, गोली चलेगी गोली सर पे लगेगी। आप लोग वानी को तो गोली इधर लगेगी, इधर हमारे जूतों के ऊपर, हमारे सेना के जूतों के बल के कारण वो सत्ता का लाभ ले रहे हैं, वरना फारूक अब्दुल्ला का पूरा खानदान कब्रिस्तान में होता है। ये हमारी सेना का शौर्य है जो आप वहां बैठे हुए कश्मीरी कश्मीरी इनोसेंट पीपल इन्हें हमारी सेना का शौर्य है, वरना फारूक अब्दुल्ला का 99% है। फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला को भारत के लोगों ने रक्षाबाजों के साथ उमर अब्दुल्ला का आतंकवादी उठा ले गया होता डॉक्टर बशीर जो है। देखिए डॉक्टर बशीर एक मिनट सुनिए सर, एक बार प्रेम शुक्ला जी सर हो गया सर, इतने इतनी आवाज बोल जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी करते ना पीडीपी के खिलाफ आप लोग। सर एक मिनट सर हो गया सर, डॉक्टर बशीर एक मिनट, डॉक्टर बशीर चोरी सीना चोरी, डॉक्टर बशीर सर इतनी 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 तेजी से रंग मत बदलिए सर कि गिरगिट भी शर्मा जाए यार। सर इतना तेजी से रंग मत बदलिए कि गिरगिट भी शर्मा जाए। जब सत्ता में होते हैं तो सेना के पक्ष में बोलते हैं, पत्थरबाजों के खिलाफ बोलते हैं, आज विपक्ष में बैठे हैं तो किसी को खुश करने के लिए पत्थरबाज आपके भगवान हो गए। इतना रंग मत बदलिए सर कि जनता को समझ में आ जाता है। बात हमारा नौजवान है, कश्मीर का नौजवान है। नहीं भाई, जो बिगड़ा हुआ जो पत्थरबाज है वो आतंकवादी है, वेरी क्लियर स्ट्रेटजी है सेना का, वो आतंकवादी ही है। एक एक करके कैसे समझ में आतंकवादी है, ठीक है एक एक बोलिए डॉक्टर बशीर आप बोलिए, आप बोलिए कभी नहीं सकता है, बोलिए आप बोलिए पूरा बोलिए के साथ कहता हूं, बोलिए सेना करनाल सेना वालों ने वहां पे पत्थर उठाए, गोलियां क्यों नहीं बरसी वहां? मैं अरे वो देश को टुकड़ा नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं है वो। डॉक्टर बशीर हो गया सर, एकादुका हुआ वहां पे डॉक्टर बशीर हो गया, और बोलना है आपको गाड़ियां जलाई गई डॉक्टर बशीर हुआ वहां पे। अरे एक मिनट सर, एक मिनट, बीच में पाकिस्तान का है किसी ने कहा नहीं है, ठीक है अलगाव बात है, नहीं है ठीक है डॉक्टर बशीर। कश्मीर के नौजवान पे गोलियां क्यों चला? कश्मीर के नौजवानों पर आपको दर्द हो रहा है सर, पत्थरबाजों पर इतना दर्द हो रहा है, सेना पर, सेना पर वहां पर एफआईआर, सेना पर आपको दर्द नहीं हो रहा है? ये इनोसेंट से जाकर के बशीर गुमराह करते हैं ये डॉक्टर बशीर, आप ही के विधायक थे ना वो, हम गुमराह नहीं करते, आजादी की बात पर तालियां भी कर रहे हो वो इनोसेंट बेचारों को गोली खिलवाते हो, वो इनोसेंट को गोली खिलवाते हो, कोई भी पत्थरबाज इनोसेंट को, अरे तुम अपने बच्चे को क्यों नहीं भेजते पत्थरबाजी के लिए, अपने रिलेटिव को भेजो। अरे भाई आपको जवाब ये एनसी और पीडीपी अपने बच्चों को पत्थरबाजी कराओ ना, यहाँ के फिर गोली लगेगी, फिर पता लगेगा आपको 100 करोड़ लोगों का, क्यों इनोसेंट बच्चों को आप भेजते हो पत्थरबाजी? समझ नहीं आएगा सर, एक मिनट ठीक है डॉक्टर बशीर, एक मिनट डॉक्टर बशीर हो गए। कमल आग साहब ये क्या वोटों के लिए है?
जम्मू कश्मीर, दोनों पार्टियां दोनों साथ में बैठे हैं आज, पीडीपी एनसी, ये दोनों एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं, दोनों की वही पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी एंटी इंडिया सेंटीमेंट, ये भुनाना है कश्मीर में, चाहे सेना को सूली पर चढ़ा दीजिए। मतलब पत्थरबाजों का पक्ष रखते रखते ये लोग कब देश के खिलाफ हो रहे हैं, इनको खुद नहीं समझ में आ रहा है क्या? देखिए ये देश के समर्थन में तो कभी थे ही नहीं, ना ही कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस था, ना ही कभी पीडीपी था। मैं बिल्कुल विदाउट एनी फेयर ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शन बोल रहा हूँ, इनका खाली एक ही मकसद होता है कि अपने पर्सनल एम्बिशंस कैसे फुलफिल हो जाएं। पर्सनल एम्बिशन फुलफिल करने के लिए ये दिल्ली के भी तलबे चाट सकते हैं। डॉक्टर बशीर बीच में मत बोलिए, पाकिस्तान, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं बीच में मत बोलिए सर, डॉक्टर बशीर आपको पूरा मौका दिया गया है, तलबे भी चाट सकते हैं। जब इनको भारत की जरूरत होती है, फारूक अब्दुल्ला को दीजिए जाकर, जब इनको भारत की जरूरत होती है तब बेग पाठा सारथी अकॉर्ड हो जाता है, जब इनको भारत की जरूरत होती है अपनी सत्ता होती है तब राजीव फारूक अकॉर्ड होता है, जब इनको अपनी कुर्सी चाहिए होती है तब उमर अब्दुल्ला वाजपेयी गवर्नमेंट में मिनिस्टर बन जाते हैं, और लेकिन जब ये पब्लिक के सामने एक्सपोज होते हैं, जब ये पब्लिक को पता चल जाता है कि दिल्ली में एक बात बोलते हैं कश्मीरा की दूसरी बात बोलते हैं, तो भारत विरोधी नारा लगाते हैं, ये देश के हित में काम करते हैं, जब अयूब मारा जाता है तब तक वो चुप करते करके बैठ जाते हैं, जब इंडियन आर्मी का कोई फौजी कोई मारा जाता है कश्मीर में, कश्मीरी कोई फौजी मारा जाता है तो उनके होंठ सिल जाते हैं, उस टाइम पे इनको सब कुछ भूल जाते हैं, और खाली जब एक पत्थरबाज जो कि एक सेना के आर्मी, जो सेना वहां पे खाली देश नहीं लोगों की रक्षा के लिए है, उनके ऊपर पत्थर उठाता है तो इन लोगों के अंदर जलन हो जाती है। एक मिनट के सेना सर, एक मिनट, आप ही का सवाल और कमला साहब का सवाल था वो एक बार ले लेते हैं। डॉक्टर बशीर आप बहुत वोकल हो रहे हैं, बहुत चीख चीख कर बोल रहे हैं, मुझे एक चीज बताइए, आप लोग पत्थरबाजों की इतनी वकालत कर रहे हैं यहां पर बैठकर, आपके घर से कोई पत्थरबाजी करता है क्या? आप और अपने घर वालों को क्यों नहीं भेजते पत्थरबाजी के लिए? जब आप इतनी वकालत कर रहे हैं पत्थरबाजों की, अपने परिवार से भेजिए ना किसी को पत्थरबाजी के लिए, अपने बेटे को भेजो। अमन साहब पहले आप तमीज से बात करें। मैं तमीज में क्या बात करूं, तमीज क्या है? मैंने आपसे से सवाल पूछा है की भाषा जो आप क्यों, मैंने पत्थर, आप लोग पत्थरबाजों की वकालत कर रहे हैं ना यहाँ पर बैठकर, आप लोग पत्थरबाजों की वकालत कर रहे हैं ना यहाँ पर बैठकर, बड़ा दर्द हो रहा है सर, एक सवाल से इतना दर्द हो गया, सोचिए पत्थर लगाने वाला कौन है, दर्द हुआ होगा, पत्थरबाजों को बनाने वाला कौन है, पत्थरबाजों को बनाने वाला कौन है, वो नौजवान है जो मनान वानी कर, आप लोगों के प्रोवोकेशन की वजह से आप लोग प्रयोग करते हैं कश्मीर के नौजवान, मतलब पाकिस्तान वहां से पत्थर फेंकने के लिए पैसा पहुंचाएगी और आप लोग पत्थरबाजों को मुआवजा देंगे। कश्मीर, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जीनोसाइड ऑफ कश्मीर। हाँ, पत्थरबाजों को मुआवजा देकर आप पत्थरबाजी भड़का रहे हो और मैं जिम्मेदार हूँ, बताइए ना आपके परिवार से कौन जा रहा है पत्थरबाजी के लिए, कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। आप लोग भड़काते हैं सिर्फ युवाओं को, आप लोग सिर्फ भड़काते हैं युवाओं को। आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू Mr. Aman, listen. I want to remind you. बड़ा दर्द हो रहा है सर, नाम तब किया गया, यासिर साहब बहुत दर्द हो गया आपको, उसने भी कहा परसों, यासिर साहब डॉक्टर बशीर शायद सुनिए सर, एक सेकंड बताना चाहता हूँ डॉक्टर बशीर को, सवाल पूछने पे इतनी मिर्ची लग गई, आप सोचिए सेना पर जब पत्थर चले थे तो क्या हाथ पे हाथ धड़े बैठी रहती सेना? सर मैं डॉक्टर बशीर मैं आपको बता देता हूँ जड़ कहाँ पे है, जड़ जब बेग पार्था सारथी अकॉर्ड के बाद में शेख अब्दुल्ला कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने तो सबसे पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था कि कश्मीर में फ्राइडे आफ्टरनून नमाज के लिए बंद होगा। सीट्स ऑफ फंडामेंटलिज्म फारूक शेख अब्दुल्ला ने उस टाइम पे शो करी थी। फिर उसके बाद में जब उन्होंने वहां पे अहले हद वो अल्लाह वाले की 7 दिन की ऑफिशियल पैट्रनेज में एक फिरका परस्त ये करी थी, उस टाइम पे वहां पे फीक पड़ी थी। बहुत जिम्मेवार है आपके पत्थरबाज बनने का, जो सोच आप लोगों ने कश्मीर में इंट्रोड्यूस करी, एक फिरका परस्ती की सोच आपने कश्मीर में इंट्रोड्यूस करी और इसको प्रोटेक्ट करते रहे, और आज आप बोल रहे कि कौन जिम्मेवार है इसके लिए। ठीक है डॉक्टर बशीर, एक मिनट, आपके साथ जो आपके साथ जो पीडीपी के मेहमान है वो भी मुझे बोलना चाह रहे थे, सर एक यासिर साहब, यासिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट, बोलिए आप, बोलिए सर, बोलिए 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 सर, बोलिए आप, बोलिए बोलिए मैं जी डॉक्टर बशीर बोलिए, कश्मीर के साथी है जिन्होंने जी जो पनन कश्मीर के साथी है, मुझे शर्म आती है कि ये इंफॉर्मेशन आपको है, आप ऑर्डर दिखाइए कब फ्राइडे को वहां पे बंद रखा गया, और अगर रखा गया तो केरला में क्या हो रहा है,
केरला में बाजार छुट्टी होती है, कहाँ केरला में? अरे अब देखिए, अब आप इसको साइड ट्रैक क्यों कर रहे हैं? अब आप उस मुद्दे को क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं? उससे पहले क्यों नहीं था कश्मीर में? ठीक है, कश्मीर में उससे पहले क्यों नहीं था? यासिर साहब बोलिए, यासिर साहब मुझे एक बात करने दीजिए। आप करिए सर, करिए, सेना है, बोल सकते हैं आप अपनी बात, सेना है, डरने की जरूरत नहीं, बोलिए। एक मसला बना दिया, एक चीज को समझने की जरूरत है हम सब लोगों को। जी समझाइए, सब लोगों को एक चीज की बहुत जरूरी समझने की जरूरत है। ठीक है, 70 सालों में एक मसला है, 70 सालों में एक हालात है। आज जो एनसी और कांग्रेस ने गवर्नमेंट कर दी अपनी, बहुत टाइम कोशिश की, हालात ठीक नहीं हुए। बीजेपी और पीडीपी एक ग्रास रूट लेवल से चाहती है बीजेपी के साथ अलायंस करके, और बीजेपी ने हमसे अलायंस करके यह सोचा कि हम ग्रास रूट लेवल से इस हालात को ठीक करेंगे। बुरहानवानी ने बंदूक उठाया, उसको उसका मुआवजा मिल गया, सेना अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन वहां से आप जब बीजेपी और पीडीपी को खाली ये चाहते हैं कि आप अलायंस तोड़ दीजिए, सपोर्ट वापस, आप लोग क्या चाहते हैं? यासिर साहब, जो देश के खिलाफ होगा सर वो तो टूटे। अलायंस हम करें, जो बेमेल गठबंधन है जिसकी कीमत सेना को चुकानी पड़ रही है, जिसकी कीमत देश को चुकानी पड़ रही है, वो आपके चंद कुछ राजनीतिक वोटों के लिए, नफा नुकसान के लिए क्यों ना टूटे? सर देश हित बड़ा है या दलित? ये आपका एजेंडा नहीं है, आपका आपका हित बड़ा या देश बड़ा है? का एजेंडा है, आप कह रहे गठबंधन ना टूटे, गठबंधन ना टूटे, सरकार ना चली जाए, सेना को पत्थरबाजी होए, सेना को कीमत चुकानी पड़े, पड़े गठबंधन बड़ा है, देश बड़ा है, सेना बड़ी है? देख लीजिए, बीजेपी यहाँ पर वो गवर्नेंस देना चाहती है, वो कांग्रेस ने जो खराबी की है उसको ठीक करना चाहती है, उनको करने दीजिए, उनको टारगेट ना कीजिए। प्राइम मिनिस्टर को अपना काम, आप सेना को टारगेट करना छोड़ दीजिए, हम आपकी सरकार को टारगेट करना छोड़ देंगे। मैं आपको वादा कर रहा हूँ सर, सेना को टारगेट करना छोड़ दीजिए, आप ये कहना छोड़ दीजिए देर के लिए ब्लैक शीप इन आर्मी ऑल्सो, मतलब सेना में भी भ्रष्टाचार के दाग हैं, इसलिए जांच होगी, एफआईआर होगी। आप सेना पर, आप सेना पर हमला करना छोड़ दीजिए, सिर्फ सियासी वोटों के लिए, थोड़ा बहुत नफा नुकसान के लिए आप देश की सेना पर सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर बैठकर। ये वही पुलिस है जो हमारी पुलिस है, इस देश की पुलिस है, उसको पता चलेगा। तभी तभी जब देश पे अयूब मारा गया, आपकी सरकार ने इसके सिवा के वो उसके घर जाके ताजियत पे चले जाते, महबूबा मुफ्ती ने जम्मू जाके ईद मिलन की पार्टी रखी थी उस दिन। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, आप बोलते कि अपने लोग हैं, आपका डीएसपी सरेआम कत्ल हुआ और आप जम्मू में जाके रंग रलिया मना रहे थे, और फिर आप और जो दुहाई देते हैं अपना पुलिस है, हमारा पुलिस है, आपने लॉकडाउन कराया कश्मीर पुलिस को, वहां पे कश्मीर में सेना को तो आप करते जा रहे हैं, अपने लोगों को भी लॉकडाउन करके आ रहे हैं वहां पे, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात कहते हुए। इसको हम ग्रास रूट लेवल से एक चीज समझिए, इसको यासिर साहब ये करके यासिर साहब एक चीज, लेकिन हमें सपोर्ट, आप अनुभवी नेता हैं, बड़े नेता हैं यासिर साहब, आप मेरे से बेहतर जानते होंगे, लेकिन एक चीज मैं समझा सकता हूँ आपको। सर आतंकवादी की जब गोली निकलती है तो वो ये नहीं देखती कि कश्मीरी है या गैर कश्मीरी है सर, और इस तरह से पत्थरबाजों को बढ़ावा देकर हम आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं, हम पाकिस्तान को शह देने का काम कर रहे हैं, अलगाववादियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, चंद वोटों के लिए, चंद वोटों के लिए सेना को सूली पर चढ़ाइए। प्रेम शुक्ला साहब, सुब्रमण्यम स्वामी आप ही पार्टी के नेता है, और सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि क्या कर रही है बीजेपी, क्यों नहीं बोल्ड स्टेप ले पा रही है? प्रेम शुक्ला साहब के लिए यहाँ पर लड़ रही है बीजेपी, सबसे महत्वपूर्ण है हम लोग, हमारे लिए दल, हमारे लिए किसी से दलगत राजनीति के लिए देश के किसी भी हित का हम कोई समझौता नहीं कर सकते। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना रहे, वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया चले, इसलिए हमने पीडीपी के साथ समझौता किया है, वहाँ आतंकवाद को बढ़ावा मिले और आतंकवाद को किसी प्रकार का बढ़ावा मिले, समझौता सेना की कीमत पर नहीं होगा, आतंकवाद को पूरी तरह से देश की कीमत पर नहीं उछल रहे हैं, ये समझौते का अगर नुकसान देश को हो रहा है तो नहीं होगा ना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हो इसलिए हमने समझौता किया है। तो सर एफआईआर क्यों हुई? किसी प्रकार की एफआईआर क्यों हुई? एफआईआर क्यों हुई? आपको पूरा अधिकार है, एफआईआर क्यों हुई? आतंकवादी गतिविधियों को कुचल रही है हमारे शुक्ला साहब, एफआईआर क्यों हुई सेना के खिलाफ? हम जो है कश्मीर में सत्ता लोलुपता के कारण हमने कोई समझौता नहीं किया है, पार्टी के साथ चल रहा है सर, सबने समझौता किया सर, आप भी जानते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार, ताल ठोक के आज दिन दो बड़े मुद्दों पर बहस होगी, उनमें पहला है जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला का कश्मीरी कार्ड, इसके अलावा एक घंटे बाद
शाम 6 बजे पूछेंगे कि दिल्ली के अंकित सक्सेना की हत्या पर सियासी मौन क्या मुस्लिम वोटों के लिए है।